हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में लिम्फेटिक सिस्टम का रोल बहुत ही क्रूशियल है। ये प्रोटीन रिच लिम्फ फ्लूइड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स और एक्सेस वाटर को कलेक्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम ये सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को आपके लिम्फ वेसल से सर्कुलेट करके लिम्फ नोड की तरफ ले जाता है और ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट फिर फिल्टर हो जाते हैं लिम्फोसाइट से, जो कि इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होती हैं और आपके लिम्फ नोड में रहती हैं और फिर बॉडी के बाहर चली जाती हैं। हेलो योगीज, माय नेम इज़ रश्मि, वेलकम टू माय चैनल योगा सूत्रा। आज योगा मैट में हम लोग एक साथ करेंगे योगा इम्यून सिस्टम को एनर्जाइज करने के लिए और अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज इंक्रीज करने के लिए। एक अच्छा लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छे और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट है और लिम्फेटिक ड्रेनेज से बॉडी का इन्फेक्शन तो ख़त्म होता ही है, साथ में हीलिंग टाइम भी रिड्यूस होता है। योगा पोस्चर के साथ साथ हम लोग बॉडी के मेन एरियाज को टैप करेंगे, जैसे कि कॉलर बोन से ऊपर एंड आर्मपिट्स, ग्रोइंस एंड बिहाइंड द बैक और स्टमक को भी। जब स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और चलिए हम लोग वज्रासना से स्टार्ट करते हैं। हील्स के ऊपर नीलिंग पोजीशन में बैठ जाइए और कुछ मोमेंट सेंटर होने में लगाइए, खुद को कंसंट्रेट करिए, इनहेल करिए और एक्सहेल करने के बाद अपनी चिन को नेक में प्रेस करिए, चेस्ट में प्रेस करिए और अपनी नेक को लेफ्ट शोल्डर की तरफ ले जाइए, फिर राइट शोल्डर की तरफ और वापस सेंटर में ले आइए चेस्ट की तरफ। और एक बार फिर इनहेल करिए और एक्सहेल करिए, अपनी नेक को रोल करते हुए लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर एंड सेंटर की तरफ। कुछ मूवमेंट्स इस तरह से करिए ताकि अपने आपके नेक के टॉन्सिल्स स्टिमुलेट हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कॉलर बोन और ईयर्स के पास जो भी लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके बाद हम इस एरिया को टैप करेंगे अपने फिंगर्स से। कॉलर बोन के ऊपर टैप करिए और इसको अपने कान की तरफ ले जाइए, जहां पर आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं। आपके नेक एरिया में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनका नाम होता है सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। सेम थिंग अदर साइड में भी करेंगे, नेक को रोटेट करके अनदर साइड लाएंगे, एक्सपोज करेंगे और लेफ्ट हैंड से टैप करेंगे, टैप करते करते कान की तरफ लाएंगे, ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। बहुत ही जेंटल टैपिंग करेंगे, जेंटल मसाज सिर्फ स्किन लेवल पर चाहिए, हमको मस्कुलर मसाज नहीं चाहिए लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए, क्योंकि जो लिम्फ वेसल्स होते हैं वो स्किन के नीचे होते हैं। और उसके बाद नेक वर्क के बाद थोड़ा शोल्डर में काम करेंगे और आर्मपिट के नीचे वाले लिम्फ नोड्स को हम लोग यहाँ पर एनर्जाइज करेंगे। अपने आर्म्स को स्क्वीज कर लीजिए ताकि जो स्किन है आर्मपिट के नीचे जो स्किन होती है वो थोड़ा सा दब जाए हाथों के बीच में। और उसके बाद अपने शोल्डर्स को रोटेट करिए, स्क्वीज करते हुए और स्किन को होल्ड करते हुए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इन बोथ द डायरेक्शंस। और ऐसा करने से यहाँ के लिम्फ वेसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, साथ में आपके शोल्डर्स को बहुत अच्छा मसाज मिलेगा
और इससे आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। उसके बाद हम शोल्डर्स को ऊपर की तरफ स्क्वीज करेंगे और एक थोड़े से फोर्स के साथ छोड़ देंगे। स्किन को हम अभी भी दबा के रखेंगे, जो हाथ और बॉडी के बीच के स्किन है उसे अभी भी दबा के रखेंगे। और अब अपना लेफ्ट हैंड ओवरहेड ले जाएंगे और अपनी कोहनी को ऊपर की तरफ उठाएंगे और दूसरे हाथ से प्रेस करके राइट हैंड से लेफ्ट आर्मपिट के लिम्फेटिक नोड्स को पैट करेंगे। इनको कहते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। जो लिम्फ नोड्स आर्मपिट में होते हैं उनको एक्सिलरी लिम्फ नोड्स बोलते हैं। दूसरी साइड में भी रिपीट करिए विद वेरी जेंटल टैपिंग। के लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स सारे एनर्जाइज हो जाएंगे। और अब ऑल फोर में आ जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए और फिर कैट एंड काउ पोस्चर में जैसे आप आते हैं, नीज एंड हैंड्स पोजीशन में, गेट सेंटर, come forward, come to plank pose, and then come on stomach. Elbows को shoulders के नीचे रखिए, stomach and pubic bone को ground के against में press करके रखिए और inhale करिए deeply, exhale करिए और उसके बाद कुछ twisting action इस posture में बहुत ही लाभप्रद हैं, ताकि आपके पेट के लिम्फेटिक नोड एनर्जाइज हो सकें। जितना प्रेशर आपके स्टमक में रहेगा उतना ही आपके लिम्फ वेसल्स एक्टिव होंगे और उतना ही आपका इम्यून सिस्टम बेटर होगा। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इसलिए ये रिलीज करता है लिम्फोसाइट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स और जो कि फॉरेन इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड फंगाई। नेक्स्ट पोस्चर है बो पोज, धनुरासन। दोनों हाथों से पैरों के एंकल्स को पकड़ के ऊपर की तरफ उठना होता है और इसे पैरों जो पेट में आपके लिम्फ वेसल्स हैं वो एनर्जाइज हो जाती हैं। और उसके बाद पाम्स को मैट में रखिए, पीछे की तरफ पुश कीजिए, अपनी थाइस से पेट को थोड़ा सा प्रेशर दीजिए ताकि लिम्फ नोड्स एंड वेसल्स वहाँ पर थोड़ा दब सकें और ब्रीथ करते रहिए। स्ट्रॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग इज रिक्वायर्ड। और इसके बाद हम लोग अपने बैक में आ जाएंगे, लेट जाइए और डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए। रिलैक्स होते हुए अपने हाथ की उंगलियों को अपने नेवल के दोनों तरफ रखिए और जब आप डीप ब्रेथ करेंगे, जब एक्सहेल करेंगे तो हाथ की फिंगर्स को अपने स्टमक में प्रेस करिए और डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू रखिए। कई बार हमारे ग्रोइंस एरिया में, जो कि हिप्स क्रीज होते हैं, वहाँ पर पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है या कई बार आर्मपिट्स में भी हो जाती है। जब भी हमारे पैर में कभी कोई फुंसी, बॉयल या इंजरी हो जाती है, ये एक प्रोटेक्टिव साइन है। लिम्फ नोड इस एरिया के कोशिश करते हैं कि इन्फेक्शन आपका लोकलाइज रहे और पूरी बॉडी में ना फैले, इसलिए ये लिम्फ सेल्स यहाँ पर फाइट करते हैं और आपको एक स्वेलिंग, पेनफुल फीलिंग होती है यहाँ।
आप अपने फिंगर्स से पेट के लिम्फेटिक नोड्स को स्लाइटली टैप करिए। और रॉक करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड की तरफ आ जाइए, मोमेंटम गेन करिए, अपनी बैक को कर्व रखिए। दिस इज अ प्लेफुल वे ऑफ कमिंग टू फॉरवर्ड फोल्ड। और यहाँ पर आकर अपने नेक एंड शोल्डर को रिलीज करिए, एल्बोस को कपल कर लीजिए और डीप ब्रेथ्स लीजिए। अपने नीज को स्लाइटली बेंड कर सकते हैं अगर हैमस्ट्रिंग में आपके कुछ प्रॉब्लम है। हर एक्सहेल के साथ अपने स्पाइन को लंबा करिए और थोड़ा और मुड़िए। और उसके बाद अपने हाथों को घुटनों के नीचे रखिए शिन बोन्स पर और अर्ध उत्तानासन में आ जाइए। और उसके बाद घुटनों के पीछे टैप करिए ताकि यहाँ के लिम्फ नोड एक्टिवेट हो सकें, आपका लिम्फेटिक सर्कुलेशन इंक्रीज हो सके। अपने लेग्स को वाइड करिए, बाहर की तरफ खोलिए, हील्स इन एंड टोज आउट, और धीरे से बैठ जाइए योगी स्क्वाट या मालासन में। अपनी क्रोइन एरिया की तरफ फोकस करिए, फ्रंट हिप्स क्रीज की तरफ देखिए कितना स्ट्रेच है उनमें, और हर ब्रीथ के साथ ओपनिंग को फील करिए। ये एक एक्सेलेंट पोस्चर है आपके सेकेंड चक्रा यानी कि सेक्रल चक्रा को एनर्जाइज करने के लिए, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी एंड सेंशुअलिटी के लिए। और यहाँ से अपने हिप्स में बैठ जाइए और अपने पैरों की आउटर एज को पकड़कर लेट जाइए हैप्पी बेबी योगा पोस्चर में बालासना। अपनी नीज को नीचे की तरफ प्रेस करके और ओपन करिए और टेल बोन को ऊपर की तरफ रोल होने से रोकिए। इस पोस्चर में ज्यादा से ज्यादा सिंक हो जाइए एंड कीप डीप ब्रीदिंग। पैरों को रिलीज कर दीजिए और पूरे के पूरे लेग पैकेज को मैट में ले आइए और पैरों के सोल्स को आपस में जोड़ लीजिए। ये है कोणबद्ध आसन। और अब अपने हिप्स क्रीज के जो लिम्फेटिक नोड्स हैं वहाँ पर टैप करिए ताकि सर्कुलेशन यहाँ भी इंक्रीज हो जाए। ये वाले लिम्फेटिक नोड्स को हम लोग कहते हैं इंग्विनल लिम्फ नोड्स। और उसके बाद रिलीज एवरीथिंग। आपने सारे लिम्फ नोड्स कवर कर लिए हैं और उनको स्टिमुलेट कर लिया है योगा पोस्चर से एज वेल एज मसाजिंग एक्शन से। अपने पैरों को सीधा करके शवासन में आराम से लेट जाइए और लास्ट में 2 ग्लास पानी पीना ना भूलिए, क्योंकि ड्रेनेज की क्रिया के लिए काफ़ी सारे पानी की ज़रूरत होती है। हमारे साथ योगा मैट में योगा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते योगीश।